प्रतिलेखन संख्या 14। महोदय, हमारे देश में राजनैतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनजर यह एक असाधारण बात है, जबकि इनमें से ज़्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदा कदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आज़ादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं है। ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई है उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, न कि सांप्रदायिक भावनाएं। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक है।
चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। भारत ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोगी की नई संभावनाएं बनी है। अमेरिका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं। समर्पण की बात तो दूर है, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना, जबकि इसके लिए हम पर कोई कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक वाक्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया।